आपका स्वागत है। आज हम गुलगप्पा बनाने का तरीका बताएंगे। हमने ये धनिया लिया है और लाल मिर्च, इसे हम थोड़े से रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई हमारे एकदम गर्म है, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जार में रख के इसे पीस देंगे। ये देखिए, एक मिनट हो गए हैं और मिर्चा धनिया जो है एकदम रोस्ट हो गया है अच्छे से। इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम रिफाइंड डालेंगे। हमने इसमें थोड़े से सरसों तेल भी डाला है और रिफाइंड भी डाला है। तेल हमारे जो है गर्म हो रहे हैं, तब तक हमने मसाले को जार में रख दिया है। इसे थोड़े से हम पीस लेंगे दरदरा ही। एकदम गर्म हो गया है, इसमें धीरे धीरे हम छोटे छोटे लोई बनाकर पूड़ियाँ तल लेंगे। ये देखिए कैसे खिल रहे हैं। इसी तरह हम सारे पूड़ियाँ को तल लेंगे। ये देखिए पूड़ियाँ हमारी कितने अच्छे सब फूल रहे हैं और ये एकदम क्रिस्पी होंगे। हम इसी तरह सारे को छान लेंगे। उसके बाद इसी तरह हम बेल के सारी पूड़ी जो है छोटे छोटे हमारे देखिए एकदम फूल रहे हैं अच्छे से। हम पलट देंगे, थोड़े से ज़्यादा लाल हो गए हैं। कि हमने मसाले तैयार किए हैं आपको हम बता देते हैं। उबाला हुआ आलू है, धनिया पत्ता, हरी मिर्च और ये प्याज है। और ये मसाले में हमने लिया है काला नमक है, वाइट नमक, और ये लाल मिर्चा पाउडर है, और ये गोल मिर्च पाउडर है। और हम इमली का पानी नहीं लेंगे, हम टमाटो का रस लिए हैं। इसे हमने मिक्सी में पीस के छान लिया अच्छे तरीके से। सारे बीजों सब निकल गए, ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब इसमें हम मसाला मिलाएंगे, थोड़े से काले मिर्च और थोड़े से हम ये नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार। थोड़े से हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़े से हम वाइट नमक डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे कि बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये देखिए इसमें थोड़े से हम हरे धनिया पत्ते डाल देते हैं। तब तक के लिए आलू को हम मैश कर लेते हैं। और ये देखिए हमने ग्राइंड किया था लाल मिर्च और धनिया, इसे भी थोड़े से हम पानी में डाल देंगे। अब इसे थोड़े से हम आलू में डालेंगे जो हमारे आलू बहुत ही टेस्टी बनेंगे सुंदी खुशबू के साथ। अब इसे हम आलू को मैश कर लेते हैं। आलू में थोड़े से हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। ये देखिए गोलगप्पा हमारे एकदम बन के तैयार हो गए हैं। हमने गोलगप्पे के पानी भी तैयार कर लिया है टमाटर के रस से। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए फिर आपको हम बताते हैं, एकदम कुरकुर बने हैं। आप इसी तरह भर के खाएं, बच्चों को खिलाएं। एक बार कमेंट जरूर करें और खा के बनाकर जरूर देखें और खाकर बताएं ये कैसे बने हैं। धन्यवाद।